साथ एक बार इनके उत्साह वर्धन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा। चलिए आज एक चीज भूल गया हूँ, हमें माफ कर दीजिएगा, फिर वहाँ से निवेदन कर रहा हूँ। आज मैं जिस कुलवंश से आता हूँ, जल्दी कर भैया, उसके कुलाधिपति की जन्म जयंती है, भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, परशुराम जी को प्रणाम कर लिया, अब राम जी की आराधना करूंगा। निवेदन कर रहा हूँ कि संतरासों के शैल शिखर का इतिहासों का वाची हूँ, हिंदुस्तानी माटी का बेटा बलिदानी दधीची हूँ, मैं सत्य सनातन संस्कृति का केवल एक उपासक हूँ, तुम्हें बतलाता हूँ समझो मैं शिशुपाल का नाशक हूँ, और पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, जहां जहां राम भक्त विराजमान हो समवेत रूप में तालियां उठे और अयोध्या तक पहुंचे। निवेदन कर रहा हूँ, एडवांस बुकिंग नहीं, मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि संतरासों के शैल शिखर का इतिहासों का वाची हूँ, हिंदुस्तानी माटी का बेटा बलिदानी दधीची हूँ, मैं सत्य सनातन संस्कृति का केवल एक उपासक हूँ, तुम्हें बतलाता हूँ समझो मैं शिशुपाल का नाशक हूँ, रावण का जो दम हरे मैं उस दर्पण का दासी हूँ, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। जिंदाबाद। वाह। रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ, कि समर धरा में मित्र हमारे क्रांति की एक ज्वाला हूँ, दुर्योधन विध्वंस करे जो अर्जुन का रखवाला हूँ, तीर जो छूटे तरकस से एक मैं उसकी आशा हूँ, समर क्रांति के सम्यक रथ पर वीरों की परिभाषा हूँ, मैं सत्ता का शीर्ष शिखर हूँ, जनता का प्रत्याशी हूँ, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। ये देश उसी रहीम खान का, जिन्होंने कहा कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम जब नहीं जपत कुरान, ये उसी रस खान की धरती है जिन्होंने कहा कि क्या धन्यवाद उपाध्याय भैया, जब से हैं मैं 5 साल से हूँ, 5 सालों से ये भी है, हमारा संबंध जन्मों का है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं यहाँ से बात शुरू कर रहा था, निवेदन कर रहा हूँ, बस दो बंद और छूट रहा है, बस मैं ऊपर देता हूँ, आदरणीय से क्षमा प्रार्थी हूँ, सर भी हमें बहुत विलम्ब में पढ़ाया है, तो थोड़ा हमारा पढ़ दे रहा हूँ निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये देश उसी रहीम खान का है जिन्होंने कहा कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम जब नहीं जपत कुरान, ये उसी रस खान की धरती है जिन्होंने कहा कि चाही अहीर पे छोहरिया छछिया भरी हाथ पे नाच नचावे, ये उसी नजीर अकबराबादी की धरती है जिन्होंने कहा कि क्या कहूँ मैं दधी के लुटैया का बालपन, कैसा था कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये उसी बहादुर शाह जफर की धरती है जिससे अंग्रेजों ने कहा कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी है शमशेर हिंदू स्थान की, तो उसने जो दो पंक्तियां कही वो आज के मुसलमानों की भूमिका है। निवेदन कर रहा हूं कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर चुकने लगी है शमशेर हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, ये उसी इकबाल की धरती है जिसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलशिता हमारा, ये उसी वाहिद अली वाहिद की धरती है जिन्होंने कहा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए, और ये उसी जुबैर अली ताबिज की धरती है जिसने कहा कि बंसी सब सुर साधे है, अपने धुन में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है, और ये उसी सलमान जफर की धरती है जिसने ये कहा कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है भाई पर कट्टर होना ठीक नहीं, तब ये कह रहा हूं कि ये किसी आबर बाबर खिलजी औरंगजेब की धरती नहीं है, तब निवेदन कर रहा हूं। बस ये अंतिम बंद पढ़ रहा हूं किसी भूमिका के बिना, मैं चाहता हूं मैं जब यहां से बैठूं तो आगे से पीछे तक 2 मिनट महादेव का उद्घोष हो और आगे से पीछे तक जोरदार तालियां लोग बजाएं, मैं ऐसा पढ़ा भी हूं, निवेदन कर रहा हूं, पढ़ता हूं कि चिरकाल से कथा हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है, एरे गेरे नत्तू खेरे तेरी नई कहानी है, चिरकाल से कथा हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है, एरे गेरे नत्तू खेरे तेरी नई कहानी है, तुम क्या जानो जौहर क्या है तुम में ये औकात कहां, जी आदि जचंदों में महाराणा जैसी बात कहां,
और आपके तालियां मेवाड़ पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चिरकाल से कथा हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है। एरे गेरे नथु केरे तेरी नई कहानी है। तुम क्या जानो जौहर क्या है, तुम में ये औकात कहा। जी हादी जयचंदों ने महाराणा जैसी बात कहा। तो सुनो ध्यान से कहूँ तुझे मैं, सुनो ध्यान से कहूँ तुझे मैं, हर खिलजी की फांसी हूँ, रग में जिसके राम बहे मैं उस भारत का वासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे प्रशांत बजरंगी। आइए अब हम श्रृंगार रचनाओं के साथ जुड़ते हैं विभा सिंह जी से, जो